तो भाई देख सकते हो मेरे साथ कौन खड़ा हुआ है भाई, संजय कुशवाहा ब्लॉग, और इन्हीं भाई का तुम्हारी भाई ब्लॉग वायरल हुआ है, आप सर्च करके देख सकते हो। बाकी ये बता देते अपने चैनल के बारे में, संजय कुशवाहा ब्लॉग नाम है, जाके देखना एक बार, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। चलो देख लो यार, और भाई को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काफ़ी अच्छी, मैंने इनका चैनल देखा है। हमारे भैया खड़े हुए हैं, योग कैसे सपोर्ट की, उनसे भी हमने सवाल जवाब पूछ लिए, फुल सेटिस्फाई हो चुके हैं हम उनके सवाल जवाब से। और यहाँ पर हमारे भाई मिले हैं संजय कुशवाहा ब्लॉग, तो भाई हमने सब्सक्राइब कर लिया, आप भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। दोस्तों जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इनके चैनल का मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन शॉट, इनका माई फर्स्ट ब्लॉग जो है ना वायरल हो गया था, पहले ही वीडियो डाली और कितने व्यूज गए थे? पहली वीडियो पे गए थे मेरे व्यूज 11,000। कितने दिन में गए थे वो? 11,000 व्यूज गए थे वन मंथ में 11,000 चले गए थे, मतलब कि ऑलमोस्ट वायरल हुआ था लेकिन धीरे धीरे वायरल हुआ था ना। फिर मैंने उसके बाद एक और डाला। अच्छा, उस पर गए थे मेरे 21,000। अच्छा, पहले पे 11,000, दूसरे पे 21,000। अच्छा, फिर तो मैंने कुछ ट्राई और किए, आपके तो और भी मैंने देखे थे कि और भी व्यूज आपकी वीडियो पे गए थे। हाँ, उससे पहले मैंने बहुत सारे माई फर्स्ट ब्लॉग डाले थे लेकिन जो मेरे वायरल हुए थे उनके कारण ही नंबर अनुसार, फिर मैं ब्लॉगिंग करता रहा, मैं डालता रहा, लेकिन मेरे कुछ ऐसी वीडियोज और डालेंगे जो घूमता था मैं। तो अभी जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं कि अभी आपका थोड़ा डाउन हो गया, मतलब व्यूज जो है 100-200 के करीब में वो हो रहे हैं, तो आपने क्या गलती करी, ऐसा मतलब क्या हुआ जिसके कारण, मतलब ये आपको क्या लगता है, मतलब आप बताओ खुद से, क्योंकि ऐसा आप मान लो 20,000 11,000 21,000 अगर हो रहे हैं तो अचानक क्यों होना चाहिए? यानी मैं एक्टिव नहीं रहा था, जो काम कर रहा था पहले, मतलब मैंने फिर एक्टिव नहीं रहा था, जैसे रेगुलर वीडियो डालना हमने काफ़ी देखा, रिसर्च करते हैं लोग, बताते नहीं, आप भी बताते हो, तो मैंने आपसे ही बहुत कुछ सीखा है, तो जो बताते हैं कि एक्टिव रहना चाहिए चैनल पर, तो मैं वही गलती की थी कि मैं चैनल पर एक्टिव नहीं रहा कुछ टाइम के लिए, मैंने करीबन 2 महीने के लिए मैंने अपना चैनल छोड़ दिया। तो ये क्यों, मतलब क्यों ऐसा, मतलब एक्टिव क्यों नहीं है? एक्टिव कुछ घर में प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी समस्याएं थी जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल। वो तो समस्याएं होती हैं, बट अब आप एक्टिव रहना, और अपने एक और चैनल है अब उसका भी बताओ। उसका नाम है राइट रनिंग, जो मैंने अभी बनाया, और एक और चैनल है संजय क्रिएटर सपोर्ट, जिस पर मैं थंबनेल बनाना चाहता हूँ, वीडियोस का डालना, मतलब मैं वीडियो डालने का थोड़ा तरीका देख सकते हो कि कैसे डालता हूँ, आप थोड़ा बताइए। भाई को सपोर्ट कीजिए, और इनका तीनों चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार चेक कीजिएगा, और इनके चैनल पे अगर वीडियो देखना है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तीन चैनल बताऊँ तो संजय कुशवाहा ब्लॉग, राइट अर्निंग और संजय क्रिएटर सपोर्ट, तीन। नहीं नहीं, मेरी अभी यूट्यूब से कोई इनकम नहीं होती है, बट जो भी है अपना रेगुलर उससे कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत खर्चा निकाल लेता हूँ। नहीं, मैं दिल्ली में तो अभी एक यूट्यूबर के पास ही से हूँ, और वैसे तो मैं यूट्यूब का रहने वाला हूँ फिरोजाबाद, आपने सुना होगा। अपने माई फर्स्ट ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, जिससे रिलेटेड हम वीडियो बनाते हैं उसी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं उसमें, तो वही मैंने डिस्क्रिप्शन में भरा माई फर्स्ट ब्लॉग। कितने बार लिखा था लगभग मैंने लिखा था पूरे 5,000 वर्ड पूरे लिख दिए थे क्या? मैंने लिखा था 1,500 बार करीबन। माई फर्स्ट ब्लॉग वायरल, मेन फैक्टर यही था वायरल होने का, या फिर आपकी वीडियो में मतलब क्या था? मेन फैक्टर ये नहीं होता है, मेन फैक्टर ऐसे तो हर कोई टाइटल टाइप का, तो मेन फैक्टर वीडियो में भी होता है कि आपकी वीडियो कैसी और थंबनेल कैसा, टैग टाइटल हर कोई डालता है, जितने भी लोग वीडियो बनाते हैं सबको डालता है, मैंने देखा है काफी लोगों को बहुत ज्यादा भर देते हैं 5,000 तो क्या उनकी वीडियो वायरल हो जाती है? एक तो वीडियो अच्छी होनी चाहिए, और उसके बाद मैं इस टाइम बताऊं तो कंपटीशन बहुत है, तो इसके लिए हमें एक वीडियो क्वालिटी भी सुधारनी होगी अपनी, जो वीडियो क्वालिटी है ना वो सुधारनी पड़ेगी, और वीडियो का कंटेंट अच्छा लो हमें कुछ लोगों से हटके देना पड़ेगा। अगर हम लोगों से हटके देते हैं और हमारा अच्छा कंटेंट है और अच्छा थंबनेल है तो लोगों को खुद ही पसंद आएगा। तो इसी तरीके से मैंने माय फर्स्ट ब्लॉग डाला था, काफी लोगों का था, मिलियनों में गया था, लेकिन मैंने डाला, मेरा स्टार्टिंग से नहीं आया, पूरा पूरा चलने लगा, सच से आने लगा व्यूज, लेकिन जो अब मेरा माई फर्स्ट ब्लॉग है जितना अभी टाइम रियल टाइम है उसमें व्यूज आ जाता है 40 से 50 अभी टाइम, तो वो भी आता है सारा सच से। तो इसमें एक फैक्ट और आ रहा है कि वो जो कीवर्ड्स डाले थे मैंने डिस्क्रिप्शन में वो रिसर्च सर्च से आ रहे हैं, तो अच्छा। एक तरफ तो कीवर्ड भी मैटर कर गया और फिर मेरे थंबनेल भी मैटर करेगा। अगर आपकी वीडियो एक बार नहीं चलती तो उस वीडियो का ही थंबनेल थोड़ा उस वीडियो में भी चेंजेस कीजिए, जो वीडियो मान लीजिए मैंने आज कोई वीडियो डाली वो वीडियो नहीं चलती तो उस वीडियो में थोड़ा चेंजेस कीजिए, कुछ इंडेक्स होती है ना दोबारा से, कुछ टाइम बाद थोड़ा चेंजेस कीजिए थंबनेल में। तो मेरी कुछ वीडियोज है जो नहीं चली थी, लेकिन मैंने जो अभी बीच में एक और लहर आई थी तीसरी लहर, उस टाइम मैंने अपनी वीडियो में थंबनेल को चेंज कर दिया, और वहाँ से भी फिर मेरा चलने लगा, अच्छा फिर वायरल होने लगा।
तो ये लगता था कि हमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस करना चाहिए टाइम टाइम पर। अगर इस टाइम चैनल ग्रो करने की बात की जाए तो हमें एक तो वीडियो क्वालिटी सुधार, इस टाइम कोई नहीं है, अब थोड़ा खर्चा करके अपना एक अच्छा सा सेटअप बनाइए जिससे रिलेटेड मान लीजिए ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो ब्लॉगिंग तो फिर सर्चेबल कंटेंट दीजिए ब्लॉगिंग में और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कीजिए, मार्केट के बारे में बताइए, वो हो गया ब्लॉगिंग। अगर आप टैक्स से रिलेटेड, टैक्स से पहले तो एक सवाल ही पूछना चाहूँगा, आपने स्पॉन्सरशिप भी की है विदाउट मोनेटाइजेशन 5,000 रुपए की, कुछ प्रमोशन वो कैसे की और कैसे लोग कॉन्टेक्ट करें और जैसे किसी और को कांटेक्ट करना तो कैसे करें? तो मेरा तो एक चैनल है जिसका नाम संजय क्रिएटर सपोर्ट है, मैंने उससे भी किया, उससे तो मैंने 3,000 कैसे कैसे तरीके सेक्शन में मेल डाला है, मैं अपनी टैक्स से रिलेटेड वीडियो बनाता था ठीक है, तो उस पर 500 से 1,000 व्यूज आते थे, लेकिन अगर 100 से 200 व्यूज आते हैं सभी लोग कहते हैं 100 से 200 व्यूज पर आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, तो मैं ये आपको रियलिटी बताऊं 100 से 200 व्यूज पर कोई भी कंपनी आपको मेल नहीं करेगी और ना ही किसी से 100 से 200 व्यूज पर आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, यह रियलिटी है। अगर आपकी वीडियो पर 500 से 1,000 व्यूज आते हैं तो आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो, वो भी 3,000। आपने मेल किया था या उधर से मेल आई थी? उधर से मेल आई थी, उधर से मेल आई थी, फिर मैंने उसको कॉन्टेक्ट नंबर दिया, उन्होंने बोला, तो पहले उन्होंने मेरे 500 से 1,000 व्यूज आते थे उस टाइम, तो उन्होंने मुझे प्राइस बताया कि आप 500 रुपये ले, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आया तो मैंने फिर उसी को मैंने बोल दिया, मना कर दिया, तो उन्होंने एक बार को बोल दिया कि 1,000 रुपये, तो मैंने 1,000 रुपये में ले ली बाकी गली में ठीक है, तो वो एप्लीकेशन थोड़े आपको पता है रमी वगैरह इससे रिलेटेड होते हैं, तो मैंने फिर ऑडियंस को ये भी बताना चाहिए कि ये एप्लीकेशन सही है क्या, आप इस एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बना रहे हो, इस एप्लीकेशन के बारे में वीडियो बना रहे हो, तो ये प्रमोशन एप्लीकेशन है, मैं तो डायरेक्ट बताता हूँ अपनी ऑडियंस को, जो कि मैं नहीं डालना चाहिए कभी भी, क्योंकि फिर हमें बाद में गलत कमेंट मिलते हैं, तो ज्यादातर हमें जो है रियलिटी दिखाओ, तो बस ये ऑडियंस। तो भाइयों देखो इनिशियल डेज में भी भाई स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं और आप भी ले सकते हो, मैम आप पूछिए सब कर लो एक दूसरे का। तो भाई कैसा लगा आपको ये लोग बताना ना भूलना बिल्कुल भी, और देखो हम खड़े हैं इस टाइम सिटी में और ये पालिका बाजार का ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पे मतलब छत है, ये जहाँ खड़े हुए हैं हम, ऊपर ये पार्क है और यहीं पर मीटअप हुआ है, और वो मेरे पीछे देख सकते हैं आप नित्य के सपोर्ट भैया खड़े हुए हैं, जा रहे हैं वो, तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और बहुत सुकून मिला, और जो जो हमें पूछना था वो सारी चीज़ हमें अच्छी तरह से समझ में आ गई है, तो ऐसे भी लोग आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे, देख सकते हो आप सभी यूट्यूबर्स खड़े हुए हैं यहाँ पर। आपसे और आपको कैसा लगा मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलना।